आमे आज थायराइड विषय जानिबा, स्पेशियली थायराइड एवं आमर प्रेगनेंसी विषय तार की को रिलेसन थाए। आमे जानिचे थायराइड गोटे अंतस्रावी ग्रंथि जे कि आमर बेक सामने थाए, ताकु आमे बटरफ्लाई ग्लांड बोली भी कही था, कहीं तार सेप गोटे बटरफ्लाई बोलिया ही थाए। थायराइड ग्लांड रु दीटा हार्मोन बाहर T3 एंड T4 जोटा कि आम नॉर्मली टेस्ट करूँ, आउ ए T3 T4 को कंट्रोल कर था TSH जोटा कि ब्रेन रु सिक्रेशन होता है। आउ आम नॉर्मली आपण मैंने सब जानते ए T3 T4 एंड TSH टेस्ट करी आम थायराइड प्रोब्लेम अच्छी ना नहीं बोली जानी था। नॉर्मली समस्त थायराइड ग्लांड अच्छी एंड समस्त थायराइड हार्मोन रो क्षरण क्षमता रही। जदि ए क्षरण क्षमता बेसी हुए आम ताको हाइपर थायराइड बोली कही था, जो थे कि T3 आउ T4 रो लेवल बेसी आसे, TSH रो लेवल कम आसे, किंबा यार जदि क्षरण क्षमता कमी जाए ताहले आमे ताकु हाइपोथायराइड बोली कही था, जो थे कि T3 T4 रो वैल्यू लो आसीबो, TSH रो वैल्यू नॉर्मल रेफरेंस रेंज रु हाई आसीबो। तेबे आमे ए प्रेगनेंसी केस रे आमे काही कि बेसी ए विषय रे डिस्कस करिबा, काही ना नॉर्मल केस रे हाइपोथायराइड एवं प्रेगनेंसी केस रे हाइपोथायराइड रो रिफरेंस रेंज जोटा थाए सेटा अलगा थाए। फर्स्ट ट्राइमिस्टर ऑफ प्रेगनेंसी जोटा कि अप टू 3 मास पर्यंत TSH रो वैल्यूटा 2.5 पर्यंत आम रखी था। सेकेंड ट्राइमिस्टर जोटा कि 3 मास रु 7 मास पर्यंत TSH वैल्यूटा 3 पर्यंत थाए, एवं लास्ट ट्राइमिस्टर रे भी एटा 3 पर्यंत थाए, जोटा कि गोटे नॉर्मल केस रे 4.5 पर्यंत थाए। तो आमर को किछिटा पेशेंट जो माने नॉर्मल केस रे TSH नॉर्मल थाए, आमे सही पेशेंट मान को भी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी थायराइड प्रॉब्लम अच्छी बोली कही था। आमे प्रेगनेंसी रे थायराइड पाई एते उत्सुक कहीं ना टिके थायराइड हार्मोन एपट सेपट हेले भी आमर रिस्क ऑफ एवर्सन, रिस्क ऑफ इनफर्टिलिटी, रिस्क ऑफ एबनॉर्मल चाइल्ड डेलीवरी, ए गुड़ाकर रिस्क बढ़ी जाई था, जोटा कि मिनिमल ट्रीटमेंट रे आमे से गुड़ाकु अवॉइड करि पारिबा। आमर किछटा रिस्क फैक्टर अच्छी जो माननकु आमे स्पेशियली टेस्ट करिबा थायराइड प्रॉब्लम अच्छी ना नहीं बोली, स्पेशियली जेमते मु कहली ओबीज पेशेंट जो माने प्रेगनेंसी रे जो माने अछंती, जो मानकर फैमिली हिस्ट्री आगरु थायराइड रो अछि, किंबा जो मानकर बापा मा कि आउ किछि थायराइड मेडिसिन किंबा अदर ऑटोइम्यून डिजीज रे अछंती, टाइप 1 डायबिटीज एवं जो मानकर अलगा ऑटोइम्यून डिजीज रे जो पेशेंट माने पीड़ित अछंती, ए मानकर थायराइड हार्मोन डिसऑर्डर हेबार चांस बेसी। तो एतिक रहिला आमर जनरल थायराइड विषय रे, बट आजर टॉपिक हेला आमे स्पेशियली प्रेगनेंसी एंड थायराइड विषय रे आमे डिस्कस करिबा। प्रेगनेंसी एंड थायराइड रे आमे दी प्रकार पेशेंट पाइबा, जो मानकर आगरु थायराइड प्रॉब्लम अछि आ प्रेगनेंसी होउछि, किंबा जो माने प्रेगनेंसी टाइम रे थायराइड प्रॉब्लम रूटीन चेकअप रे पाउछन्ते। जो मानकर आगरु थायराइड अछि दी प्रकार, हाइपोथायराइड फर्स्ट आमे डिस्कस करिबा। हाइपोथायराइड रे जो माने मेडिसिन खाउछन्ती ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, डॉक्टर को पाक्कु जदि न पहुंची पारुछन्ती, से माने जो डोज रो मेडिसिन खाउछन्ती तार डोज टाकु 1.5 टाइम कर देबा, किंबा 7 दिन रे जो मेडिसिन से माने डेली खाउछन्ती ताकु 9टा टैबलेट पर वीक खाइबा, तापर आम सुविधा हिसाब रे आमे डॉक्टर को परामर्श नहीं कि डोज टाकु एडजस्ट करिबा। जदि आमर थायराइड नाही आउ रूटीन टेस्ट रे आमे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जानुछे, जेमिति मु कहली फर्स्ट ट्राइमिस्टर 3 मास पर्यंत, 3 मास रु 7 मास पर्यंत एवं 7 मास रु डेलीवरी पर्यंत आमर थायराइड हार्मोन नॉर्मल लेबोरेटरी प्रेस्क्रिप्शन रे किंबा लेबोरेटरी रिपोर्ट रे जो रेफरेंस रेंज थाए सेटा नॉर्मली प्रेगनेंसी रे डिफरेंट हुए। तो आपण सेही रिपोर्ट को देखिके घरे रहिबेनि, कोनोसी भी रिपोर्ट आपणकर थायराइड रो जदि अछि आपणकर गायनेकोलोजिस्ट किंबा एंडोक्राइनोलोजिस्ट को परामर्श नहीं बुझी नेबे जे तांको पई तांकर को मासर प्रेगनेंसी अच्छी ता हिसाब रे तांकर थायराइड रिपोर्ट ठीक अच्छी ना नहीं। जदि अच्छी आमे बेनिफिट ऑफ डाउट रे भी लो डोज थायराइड हार्मोन दे थाउ छुआ को ठीक रखिबा पई एबर्सन रिस्क को बंचेबा पई एवं आग को किछि ऑटोइम्यून डिजीज न हो बोली। थर्ड हैला जो पेशेंट माने थायराइड हार्मोन खाउछंती आ डेलीवरी होउछि पोस्ट डेलीवरी से माने तांकर प्रीवियस डोज ऑफ थायराइड हार्मोन को बैक करि जेबे, किंबा थायराइड हार्मोन बंद हो जेबो एवं 3 मास परे चेक करिकि पुणी थायराइड हार्मोन स्टार्ट करि पारिबा। तो एटा हैला हमर हाइपोथायराइड केसेस। जो माने हाइपरथायराइड थांती
ଯେମିତିକି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଥାଇରଏଡ଼୍ ଗ୍ଲାଣ୍ଡର ହରମୋନ୍ ବେଶୀ ବାହାରେ, ତ ଏ ବି ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଯେଉଁମାନେ ଆଗରୁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଉଥିବେ, ତ ଡ୍ୟୁରିଂ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ମନେ କରନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଆଗରୁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଉଛନ୍ତି ହାଇପର୍ ଥାଇରଏଡ଼୍ ପାଇଁ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଥାଇରଏଡ଼୍ ହରମୋନ୍ର ସିକ୍ରେସନ୍ ବେଶୀ ଥାଏ, ତ ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟ୍ରାଇମିଷ୍ଟର ପ୍ରେଗନେନ୍ସିରେ ଯଦି ସେମାନେ ପ୍ରୋପାଇଲ୍ ଥାଇୟୁରାସିଲ୍ ବୋଲି ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଉଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, କାହିଁକିନା ଏଇ ଟ୍ୟାବ୍ଲେଟ୍ଟା ମା' ପେଟରୁ ଛୁଆ ପାଖକୁ ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ବେଶୀ ଥାଏ। ତ ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ହାଇପର୍ ଥାଇରଏଡ଼୍ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ନିହାତି ଡକ୍ଟରର ପରାମର୍ଶ ଆଗ ନିଅନ୍ତୁ, ମେଡ଼ିସିନ୍ଟାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରାନ୍ତୁ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟ୍ରାଇମିଷ୍ଟର ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ପରେ ନର୍ମାଲି ମାସେରୁ 3 ମାସ ପରେ ଯେଉଁ ଥାଇରଏଡ଼୍ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଆପଣ ଖାଉଥିଲେ, ଆମେ ଥାଇରଏଡ଼୍ ହରମୋନ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଦେଖିକି ତାକୁ ଡୋଜ୍ କମେଇ ପାରିବା କି ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇପାରିବା। ପୋଷ୍ଟ ଡେଲିଭରି ଛୁଆର ବି ହାଇପୋଥାଇରଏଡ଼୍ ହେବାର ଚାନ୍ସ ବେଶୀ ଥାଏ, ସ୍ପେସିଆଲି ଯେଉଁମାନେ ଅଟୋ ଇମ୍ୟୁନ୍ ଥାଆନ୍ତି, କିମ୍ବା ଯେଉଁ ମାଆମାନଙ୍କର ଡୋଜ୍ ଟିକିଏ ବେଶୀ ଥାଏ, ଛୁଆ ପାଖକୁ ଥାଇରଏଡ଼୍ ହରମୋନ୍ ଯାଇକି ତାଙ୍କର ହାଇପୋଥାଇରଏଡ଼୍ ହେବାର ଚାନ୍ସ ଟିକିଏ ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ, ଯିଏକି ଡେଲିଭରିର ଫାର୍ଷ୍ଟ 4 ସପ୍ତାହରୁ 8 ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିବାର ଚାନ୍ସ ବେଶୀ। ତ ସେଇ ଫାର୍ଷ୍ଟ 2 ମାସ ଛୁଆର ବି ଡେଲିଭରି ପରେ ଥାଇରଏଡ଼୍ ଟେଷ୍ଟ ନିହାତି କରାଇବା ଦରକାର। ହାଇପର୍ ଥାଇରଏଡ଼୍ କେସ୍ରେ ସ୍ପେସିଆଲି ନର୍ମାଲି ବି ପ୍ରେଗନେନ୍ସିରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟ୍ରାଇମିଷ୍ଟରରେ ଥାଇରଏଡ଼୍ ହରମୋନ୍ ଟିକିଏ ବହୁତ ସିକ୍ରେସନ୍ ହୋଇଥାଏ, ତାକୁ ଆମେ ଜେଷ୍ଟେସନାଲ୍ ଥାଇରୋଟକ୍ସିକୋସିସ୍ ବୋଲି କହିଥାଉ, ଲାଇକ୍ ପ୍ରେଗନେନ୍ସିରେ ଅଧିକା ହରମୋନ୍ ସିକ୍ରେସନ୍, ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ୍ ଜିନିଷ, ଆଉ ସେଇ ଜିନିଷରେ ବି ପେନିକ୍ ହେବାର ନାହିଁ। ଆପଣ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଇକି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଏଇ ଥାଇରଏଡ଼୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟା ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ପାଇଁ ହେଇଛି ନା ଆମର ଥାଇରଏଡ଼୍ ଗ୍ରନ୍ଥିରେ ଆବ୍ନର୍ମାଲିଟି ଅଛି ଯାହା ପାଇଁ ଆମକୁ ଥାଇରଏଡ଼୍ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଇବା ଦରକାର। ଯଦି ଆମର ଥାଇରଏଡ଼୍ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦରକାର ବି ହେଉଛି, T3, T4, TSH କିମ୍ବା FT3, FT4, TSH କରିକି ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ବାଲାନ୍ସ ରଖିପାରିବା, ନା ଆମର ପ୍ରେଗନେନ୍ସିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ, ନା ଛୁଆକୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ, ନା ଡେଲିଭରିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ। ବଟ୍ ଥାଇରଏଡ଼୍ ହରମୋନ୍ଟା ଯେତେ ଇଜି ଚିକିତ୍ସା କରିବା, ତା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ତା ବିଷୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆୱେର୍ କରିବା ଏବଂ ସଠିକ୍ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଆମେ ତାକୁ ଡାଇଗ୍ନୋସ୍ କରିବା, ତା'ର ପ୍ରପର୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରି ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଇବା ଏବଂ ୟୁଥାଇରଏଡ଼୍ ରହିବା, ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ନର୍ମାଲ୍ ବ୍ଲଡ୍ T3, T4, TSHକୁ ନର୍ମାଲ୍ ରଖିବା ଏବଂ ଏକ ସୁସ୍ଥ ଛୁଆ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ଛୁଆର ଡେଲିଭରିକୁ ଆମେ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ କରିପାରିବା ୱିଥ୍ ଦ ନର୍ମାଲ୍ ଥାଇରଏଡ଼୍ ରିପୋର୍ଟ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବିନା ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟରେ ସବୁ ରୋଗର ସଫଳ ଉପଚାର ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ପ୍ରିକସନ୍ ଫର୍ ହେଲ୍ଥ, ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ କ୍ଲିକ୍ କଲା ଫଳରେ ଆପଣ ହେଲ୍ଥ ରିଲେଟେଡ୍ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ ରହିବେ ଅପଡେଟ୍।